हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मॉर्निंग में पालावान बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे बुगी स्ट्रीट। बुगी स्ट्रीट सिंगापुर की लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट मार्केट है। यहां 800 से भी ज्यादा शॉप्स हैं जो कि डिवाइडेड है 3 फ्लोर्स में। यहां आपको फैशन, फूड एंड सोवेनियर की काफी अच्छी वेरायटी मिल जाती है। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रियली वेल कनेक्टेड टू एवरी एरिया, बट टैक्सीज आर रियली एक्सपेंसिव इन सिंगापुर। सो वी वुड सजेस्ट यू टू टेक द सीनिक बस राइड्स और MRT यूजिंग द यूनिवर्सल MRT कार्ड। और हमने भी यही किया। महीना वे जाने तक के लिए हमने बस ली एंड इट वॉज डबल डेकर बस, तो एकदम पैनोरमिक व्यू देखने को मिला सिटी का। तो यहाँ पे लाइट शो पहले हुआ करता था, बट अभी कोविड की वजह से ये बंद हो रखा है। बहुत अमेजिंग लाइट शो होता है, इसका फुटेज है हमारे पास बाय चांस, वो वाला हम ऐड कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। ये आपका फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, वहाँ पे फ्लोटिंग LV स्टोर भी है। हाँ, आगे पूरा, और यहाँ पे हमारी कंपनी भी है। दिस वन अच्छा लग रहा है ना। Located between the Singapore River, Marina Bay and Chinatown, this area is commonly referred as CBD, Central Business District. It is the center of the most prestigious investment banks and companies. Itne impressive skyscraper banaye hue hain yahan, no doubt Singapore ki skyline yahan se best dikhti hai Marina Bay ka backdrop ke saath. Ye hai LV ka store. Ye bhi floating store hai. Yahan se aap enter kar sakte ho and you can exit inside the mall. और ये पूरा एरिया रात को अलग ही लेवल का हो जाता है, एकदम लाइट अप हो जाता है और सारी बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखती है। कोशिश करेंगे हम शाम को वापस आए। हाँ, टू कैप्चर द नाइट व्यू एज वेल, बट बहुत अमेजिंग है। मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग उस वाले टॉप पे थे
वहाँ पे एक लावो करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गए थे हम। वहाँ से रात को बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था पूरे सिटी का। कैसे बनाया होगा ना ये? और ये तो काफी पुराना है, जब मैं थी तब भी यहाँ था वो। हाँ। अभी बाद में बनाया है एप्पल वाला। अभी बाहर की एग्जिट टेम्परली क्लोज की हुई है, लेकिन हम मॉल से ही एंटर कर सकते हैं और वहीं एग्जिट। बट आई थिंक बाद में ये खोल देंगे, ये बाहर वाला जो लगा हुआ ना बैरिकेड, ये खोल देते हैं। और शाम को बहुत अच्छा लगता है, शिमर करता है प्रॉपर लाइट से। वी विल कम बैक। और ये है सामने यहाँ का आर्ट साइंस म्यूजियम। इसके अंदर क्या होता है भानु? काफी सारी एक्टिविटीज है, मेनली इट्स फॉर किड्स। इफ यू एंजॉय आर्ट यू कैन डेफिनेटली पे अ विजिट हियर। बहुत ही कूल ब्रीज आ रही है यहाँ से, बहुत ठंडक लग रही है यहाँ बैठ के। एंड दिस लुक्स सो प्रिटी। अभी वी हैव टू वॉक अप टिल देयर, विल क्रॉस द हेलिक्स ब्रिज एंड गो टू मलायन। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, इट्स समवेयर देयर। ब्रिज है, इसको डबल हेलिक्स ब्रिज भी बोलते हैं। इट वॉज बिल्ट 15 ईयर्स अगो एंड इट कॉस्टेड अराउंड 68 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स। इट मेनली कनेक्ट दीज टू एरियाज जो कि मरीना बे है और मरलाइन पार्क है। इट इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू फीचर डबल हेलिक्स डिजाइन। देखो ऐसे हेलिक्स डिजाइन बना हुआ ना ऊपर से। ये जो कलरफुल दिख रहा है ये है द फ्लोट स्टेडियम। इट्स अ फ्लोटिंग स्टेडियम। जब भी नेशनल डे होता है सिंगापुर का या ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसको नीचे इधर तक ले आते हैं एंड इट कैन होल्ड अप टू 9,000 पीपल एट वंस। अमेजिंग राइट? यहाँ से पूरा द फ्लोटिंग स्टेडियम। ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आपको सब कुछ दिख जाएगा। वहाँ है मरलायन, यहाँ है पूरा फाइनेंशियल सेंटर, यहाँ आर्ट साइंस म्यूजियम, दैट्स मरीना बे सैंड्स एंड वी आर स्टैंडिंग एट हेलिक्स ब्रिज राइट नाउ। दिखती हैं सीट्स फ्लोटिंग, ऊपर से छोटी छोटी दिख रही थी, यहाँ से बहुत सारे दिख रही हैं। बिल्डिंग सारे स्टिल हैं और हम चले जा रहे हैं और मरला दूर जाता जा रहा है। हमें वहाँ जाना है आई थिंक। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते होंगे काफी ना? चाइनीज आर ऑल क्रिश्चियंस। ओके, दिस वन फुलर्टन होटल, इसकी भी कुछ हिस्ट्री है ना? हिस्ट्री नहीं, ये इट इज हाफ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एक्सपेंसिव होटल्स इन सिंगापुर है। फेमस भी इसीलिए काफ़ी है, इसके अंदर की बहुत ही इवन रिसेप्शन एरिया इज वेरी लग्जूरियस एंड इट्स ओपन टू ऑल, कोई भी जाके चेकआउट कर सकता है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, फाइनली। चल अब नज़दीक लग रहा है। क्या कर रहे हैं? फिश पकड़ रहे हैं और
देखो मोस्टली एरियाज में अलाउड नहीं है, आई डोंट नो यहाँ पे होगी शायद, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, देखो उसने पकड़ी भी हुई है यहाँ पे होंगी तभी। देखो ये है बोट राइड, वो है डक टोर्स। डक टोर्स में क्या होता है कि नॉर्मल वो रोड पे भी चलती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ बोट, ये लिखा हुआ है लैंड एंड सी एडवेंचर्स। लास्ट डे हियर गाइस, वी आर एट द पूल अगेन। आज बहुत थक गए तो हमने सोचा आज लास्ट डे है तो फिर से पूल आते हैं। जी इज एंजॉयिंग, लुक एट द सनसेट। लुक हाउ प्रिटी द स्काई इज राइट नाउ। रूम से लग रहा था कि अभी हो जाएगा सनसेट बट अभी भी हो ही रहा है, थोड़ा टाइम है। But it's looking so pretty, so pretty. Made it to the sunset, guys. Finally, बाहर के आए हैं पूल से ये कैप्चर करने के लिए। आज ना निकल जाए इसलिए खुल कर जीना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जिए, फर्क पड़ता है कि हम खुश कितना रहें। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूँ प्यार कहाँ, जो तू सागर मैं दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता। Thank you.
इट्स अ फूड कोर्ट व्हाट यू हैव गॉट ये ग्रिल्ड चिकन है राइस विद करी अच्छा ये इंडोनेशियन स्टॉल से लिया है हमने एक ये ऑमलेट है एंड ये वेजी एंड वी हैव गॉट अ डेजर्ट टुडे हमने सोचा फाइनली एक डेजर्ट भी ट्राई करते हैं हम सारे ड्रिंक्स लिए जा रहे थे हमेशा फूड के साथ इट्स अ मैंगो पुडिंग विद जेली फ्रेश मैंगो And I got the famous Hainanese chicken rice with soup. And also, यहाँ पे social distancing के लिए जहाँ जहाँ बैठना allowed नहीं है वहाँ पे plants लगाए हुए हैं How cool is that? It's time to try the dessert. क्या पहले खाऊँ? Let's have mango. ये थोड़ा सा shaved ice लग रही है. And fresh mango. ठंडा है. Really nice. Really nice. ये खा के बताओ जेली फ्रेश मैंगो के साथ शेव्ड आइस बहुत अच्छी लग रही है नॉट टू स्वीट एकदम परफेक्ट है अमेजिंग हाँ ऐसे लग रहा है मैंगो वाली वो और ये ना स्टिक वाली आइसक्रीम उसके साथ हम जेलीज खा रहे हैं नाइस Victoria's Secret हाँ उधर से ही हमें नीचे उतरना था वैसे ये है मिनिएचर फुलेटन होटल का नहीं आई डोंट आई थिंक ये किसी और चीज का है आई थिंक ये हाँ फुलेटन होटल के इतना या कितना बड़ा है ये सो गाइस ये है रात का व्यू इसको देखने के लिए हम लोग दोबारा इस स्पॉट पे आए हैं Yeah. But it was worth it, right? Yes, definitely. ये है सारा बिजनेस सेंटर यहाँ के टैक्सी के ऊपर ही लिखा होता है कि ये बिजी है या हायर्ड है या फ्री है ना हमें तो सारी बिजी मिल रही है तो MRT तक चलते हैं हाँ MRT मेट्रो स्टेशन तो चलते हैं सिटी सिटी क्यों दिख रहा है बार बार सिटी दिख रहा है सिटी बुला रहा है तुम्हें That's it for Singapore series guys. Next video होने वाली है Singapore budget and itinerary. So stay tuned for that and thanks for watching.